bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum my dearest students and again with you with my new video and in this video i will share mcqs of chapter number 8 biotechnology of biologent you have to open a page number 182 and you have to mark a correct option of these mcqs mcqs number one the artificial manipulation medications and recombination of dna Option number A, genetic engineering is the correct option. Number two, the earlier biotechnologists were. Option number D, farmers is the correct option. Option number C, the complete graph of human genome was studied by. Option number B is the correct option HGP higher genome policy. Number four, alcohol and antibiotics on large scale productions by organisms is. एन एरिया ऑफ यानी कि हमारे पास अल्कोहल और एंटीबायोटिक्स जो है वो मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो किस एरिया में किस जोन में स्टडी किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री के जोन में स्टडी किए जाते हैं नंबर फाइव मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी एटीपी जो है वो हमारे पास एक एनर्जी होती है जिसकी जो स्टैंड करता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉस्फेट एम सी यू नंबर सिक्स इन एसिडिक फॉर्मुलेशन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यानी कि हमारे पास लैक्टिक एसिड जो है वो किस से प्रोड्यूस होता है पायरोविक एसिड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन टेशन इज ड्यू टू विच गैस यानी कि जब भी हमारे पास डो बनाया जाता है या फिर उसमें फरमेंटेशन करवाई जाती है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड नंबर एट एम सी क्यूज कंटेनर यूज टू ग्रो बैक्टीरिया ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड यानी कि बैक्टीरिया को लार्ज स्केल के अंदर ग्रो करने के लिए कौन सा कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटर्स नंबर नाइन नेचुरली अक्रिंग इंजाइम्स यूज एज अ डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया नंबर बी रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स नंबर टेन एक्स्ट्रा सेलुलर डी एन ए विच यूज एज अ वैक्टर ऑफ जीनोम इज यानी कि हमारे पास सर्कुलर यहाँ पर देखें सर्कुलर डी एन ए को क्या कहा जाता है जो कि एज अ वैक्टर यूज किया जाता है नंबर बी प्लाजमेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर एट बायो टेक्नोलॉजी के एम सी क्यूज को मार्क कर लिया है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से कन्फर्म करना और बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है यू हैव टू कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू अल नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़